आ जाओ। अरे उधर उधर भाई 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 समर पीछे तू सेंटर में आ रहा डायरेक्ट पीछे देख तो सही कौन है कि नहीं फोटो करते हैं यहाँ पे तो पीछे जाओ पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ वाइड में आ जाओ मीडिया मीडिया हाँ सर थोड़े जवर है नीलेश सर ए भाई मोबाइल मोबाइल थोड़ा पीछे आ जाओ मोबाइल पीछे ले थोड़ा पीछे आ जाओ रे गाइस ए भाई मोबाइल नीचे थोड़ा पीछे आ जाओ ना सर हम आ रहे हैं आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते सोनू सूद यांच्यासाठी आमची अंधेरी मायानगरी आणि त्याच्यात ही चुंबकीय तत्वासारखं आकर्षण असणारा आमचा लोखंडवाला म्हणजे स्वामी समर्थ नगर आणि हे स्वामी समर्थ नगर सर्कलचं उद्घाटन सोहळा आज पार पडलेला आहे आणि आमच्या लाडक्या उदारकार डॉक्टर भारतीताई लवेकर आणि सोनू ते उपस्थित झालेले आहेत त्यांचे समवेत योगीराज दाभाडकर हॅलो हॅलो मी विनंती करेन आमच्या आमदार मॅडमांना की सोनू सूद साहेबांना एक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे जोरदार गाळा सोनू सूद साहेब यांच्यासाठी त्याचप्रमाणे मी विनंती करेन आमचे नगरसेवक योगीराज दाभाडकरजी यांना की आमच्या विधायका आमच्या आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे या दोघांमध्ये मी एक सातत्य आहे जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीचा सातत्य ठेवत नाही तोपर्यंत शारीरिक कमाई होत नाही आणि विकासही घडत नाही आमच्या आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर असोत आणि ह्यांचं हेच सातत्य की त्यांनी पाठपुरावा करणं हे त्यांचं सातत्य आणि त्याचमुळे आज आपण हे बघतोय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ह्या मुंबई शहरी मुंबई महानगरी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं असे पक्ष म्हणजे सगळ्यांना लोभनीय आकर्षण करणारे असे स्थळ बनवणं आणि त्यांना लोकांचा दर्जा लोकस्थाचा लोकांचा दर्जा वाढवणं आम्ही समर्थ सोनू सूद ज्येष्ठ अभिनेते आपल्याच इथे राहतात आणि म्हणून खास त्यांना बोलवलं कारण ते आपल्याच विभागातले आहेत आणि हा मोबाईल फवारा तुम्ही बघितलाय फाउंटनचा आकर्षित झालेला आहे आणि तो आम्ही अरे
योगीराज दाभाडकर अरे मोबाईल प्रयत्न केले यासाठी त्यांचे अभिनंदन करीन आणि सोनू सरचं स्वागत करते की ते खास या कार्यक्रमासाठी आले. मी त्यांना विनंती केली आपण या आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवा आणि त्याप्रमाणे ते आले म्हणून त्यांचं मी खूप खूप आभार मानते आणि सोनूजींना शुभेच्छाही देते आणि त्यांना दोन शब्द बोलण्याची विनंती करते. नमस्कार. सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा भारती मैम कि आपने मेरे को इस सफ़र का हिस्सा बनाया. योगीराज भाई से तो हमारी मुलाकात होती रहती है, बट आई थिंक आज हमारा पूरा समर्थ परिवार साथ में खड़ा हुआ है यहाँ पर. मैं तो हर रोज़ यहाँ पे स्वामी समर्थ सर्कल से हर रोज़ गुजरता हूँ और आज जब मैंने ये फाउंटेन देखा तो बहुत गर्व महसूस हुआ और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा सब बना दिया है. मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मेरा इनफैक्ट ऑफिस रामनगर में भी है. मुझे पता है कि वहाँ पे इतने सालों से यू नो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, रोड्स ख़राब थे और आज वहाँ पर इतना अच्छा रोड्स बना दिए हैं, इतना सब एरिया बहुत अच्छा बना दिया. एंड ऑल थैंक्स टू भारती मैम. और मुझे याद है कि मैंने एक बार फ़ोन भी किया था इनको और अगले दिन ही सब लोग वहाँ पे आए और एक दो दिन के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया. तो आई थिंक वो डिफाइन करता है कि मैम कितनी अप्रोचेबल है. हमारे लीडर्स की वही एक खासियत होती है कि जब लीडर्स बन जाते हैं तो उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है और सही लीडर्स वो होते हैं जो जनता का एक हिस्सा होते हैं, परिवार होते हैं. आई थिंक भारती मैम सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि कोई भी किसी चीज़ के लिए भी फ़ोन करें तुरंत उसका यू नो एक्शन होता है. सो थैंक यू सो मच मैम. वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम यू नो आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और आप ऐसे कमाल का काम करते रहें, ऐसे ही इस परिवार को और मजबूत बनाते रहें. और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर जब मैं मुंबई पहली दफ़ा आया था तो यहीं से अपना सफ़र शुरू किया था और आज आपके साथ वहाँ पर इसका उद्घाटन करके बहुत गर्व महसूस होता है और पिछले 22 साल का जो सफ़र होता है. कलाकार बहुत ही खुशी का मौका है. खरच खूब सुंदर क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है. अशा क्षण मधे अपने लाड़के आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर यांचं आभार मानणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जोरदार टाळ्या वाजवून आणणं आणि बघणं हे तेवढं सोपं आहे, पण त्यासाठी पाठपुरावा करणं, फॉलोअप करणं तेवढंच अवघड आहे. म्हणूनच मी ने कुछ उदाहरण दिया था आपको. आप जैसे आपने बिल बनाई लेकिन कंटिन्यूटी रखी, फॉलोअप रखा आपको बिल का एक्सरसाइज का, उसी तरह हमारी जो भी नेता है डॉक्टर भारतीताई लवेकर यहाँ पर जब विकास लेके आती है तो एक दफ्तर में कई बार जाना पड़ता है, कई लोग अपने ही विरोध में भी आते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है और उसके बाद में ऐसा दृश्य सामने आता है और यही दृश्य लगातार बार बार आगे भी आए, यही हमारी उम्मीद रहेगी और हमें विधायक बन के आएगी. क्या आप सब लोग साथ में हैं? साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे? तो हम आश्वासित करते हैं डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी, आपको पूरा विधानसभा क्षेत्र आपके साथ में है. ऐसा ही विकास हम देखना चाहेंगे, ऐसा ही विकास आपको करने का फिर से एक बार हम मौका देंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सोनू साहब, आपका भी धन्यवाद. अपने लोकल नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक दाभाडकर साहेब यांचा सुद्धा इथे आपण आभार प्रकट केले पाहिजेत, कारण की त्यांनी सुद्धा खूपच पाठपुरावा केला. त्यानंतर अशी चांगली दृश्य आणि अभिमानाची दृश्य आपल्या विधानसभा क्षेत्रात बघायला मिळतं. धन्यवाद. हॅलो,
सबको विनती है 5 मिनट रुकिए, हम इनको घूम घूम निकालो, बाइट नहीं करना है। आदर्श कहाँ के छू, आदर्श माइक निकाल, माइक यहाँ है। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, और स्वामी समर्थ साइकिल जो है वो तो सर्कल जो है मैं यहाँ पर तो मेरा हर रोज कितनी दफा गुजरता हूँ, और आज जो भारती मैम का जो एफर्ट है उसको देखकर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम विजनरी होते हैं जिन्होंने इतना कमाल का सोचते हैं, और मैं जब अचानक आया तो ऐसा लग रहा है कि इसके कारण मुझे 2-3 और चक्कर एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच भारती मैम, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं जो हमारे जनता को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए जो अप्रोचेबल हों। ना सिर्फ इसका मैं खुद एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैं खुद रामनगर, मेरा ऑफिस है वहाँ पर, बिल्कुल रोड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, और मैंने जब भारती मैम को बताया तो उन्होंने 2 दिन के अंदर सारा का सारा वहाँ पे डेवलपमेंट करवाया, और आज लोग जब भी वहाँ पे गुजरते हैं इनको हज़ार दफ़ा थैंक्स बोलते हैं। आई थिंक वो एक ट्रू लीडर और जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एंड अप्रोचेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को सोचना नहीं चाहिए आपको अप्रोच करने के लिए। आई थिंक वो भारती मैम एक बहुत कमाल के एग्जाम्पल हैं, और उनकी जो ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, आई थिंक वो हर दिल के अंदर, हमारे एरिया के हर एक जन के अंदर है, और आज इनकी इस एफर्ट के लिए भारती मैम आपको बहुत दिल से थैंक यू कहता हूँ, और जो आपकी ह्यूमिलिटी, ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं दिल से जानता हूँ कि आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं, और ऐसी जो अच्छाई है उसके कारण आप हमेशा लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। और योगी राज जी हमारे भाई हैं यहाँ पर, ये भी हमेशा मैं देखता हूँ गणपति पे इतनी मेहनत से हर चीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं, आई थिंक दैट मेक्स लोकंडवाला के पूरा सर्कल, ये एरिया इतना कमाल का है बिकॉज वी हैव सम गुड लीडर्स विद अस। मैम इजाजत मेरे को, मैं भाग जाऊंगी तो फिर ट्रैफिक लग जाएगा। थैंक यू, मैं मिलता हूँ फोन करके आपको। काफ़ी कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है जब से हमारे मोदी जी का सरकार आया है, उस तब से बहुत सारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे मुंबई में आ रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट का ही प्रतिबिंब आज आप देख रहे हो कि हमारी वर्सोवा विधानसभा में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट लाए, आज उसके आप लोखंडवाला सर्कल का देख रहे हैं, उसका नामकरण करके आप देख रहे हो स्वामी समर्थ सर्कल जो है वो नाम पहले से था, वही नाम आज सब जगह हो गया है, और ब्यूटिफिकेशन करके बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप सोनू जी को भी सुन रहे थे कि एक अलग आकर्षण वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि बाकी सारे कामों के साथ ये भी काम लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाकी डेवलपमेंट के काम तो यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं, जैसे वर्सोवा से बैंड्रा जो सीलिंग है उसका 26% काम पूरा हुआ है, 9 मेट्रो स्टेशन इस विधानसभा में है, यहाँ पर मैंने मेरे फंड से पूरे जो मैंग्रोव है उसको कवर करने के लिए, संरक्षण देने के लिए वहाँ पे चेनलिंग फेंसिंग लगाया है, इसके बावजूद मैंने यहाँ पे बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे पानी की कनेक्शंस हो या लोगों की सुविधा हो इसके लिए काम किया है। जोगेश्वरी स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनवा दिया है जो कि मोदी जी ने उद्घाटन किया, बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे मच्छीमार है उनके लिए जेट्टी बनाई है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल जो 11 एकड़ का है उसका उद्घाटन अभी हुआ है, वो एक 11 एकड़ का बड़ा क्रीड़ा संकुल बनवाया है, और कल जो कि मैं आपको आज बता देती हूँ कि कल शाम को 4 बजे बोटेनिकल गार्डन, एक बड़ा गार्डन जो कि 5 एकड़ का है, उसका उद्घाटन करने के लिए अमृता जी फडणवीस मैडम और आशीष शेलार जी जो कि हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके हाथों से हो रहा है, और उसका भी न्योता मैं आपको अभी दे देती हूँ कि आप ज़रूर आइएगा इस कार्यक्रम के लिए, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है। बस आज हरियाणा में हमारी जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं, हमने यहाँ पे बता देती हूँ आपके माध्यम से जनता को
थैंक यू बोलती हूँ। और महाराष्ट्र में भी आपको यही दिखाई देगा, हमारी ही सरकार आएगी, महायुति की ही सरकार आएगी। धन्यवाद।